आफ्ताब भाई से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तौकीर को पहले दुआ दे दे। मोहतरम महराम हाजिरान मजलिस, आज हमारे इस गायघंटा के सरजमीन में दिल्ली और यूपी से आए हुए हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नौजवान दिल की धड़कन हमारे बड़े भाई श्रीनिवास जी यहाँ पे उपस्थित, हमारे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया के मशहूर मारूफ शायर और हार्दिक अजीज, हमारे बड़े भाई जनाब इमरान प्रताप अली साहब और यहाँ पे उपस्थित तमाम नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आज सबसे हमारे हुजूर पाक के आमद के मौके पर मैं एक छोटा सा नारा करता हूँ और अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। सरकार की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो हमारे तौकीर भाई उम्मीदवार हैं, हम लोग तीन आदमी उम्मीदवार थे इस टिकट के लिए कांग्रेस के दौर में, लेकिन हम पहले भी कहा था और मेरी घोषणा रही थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हमारे आला कमान के द्वारा जो भी फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा, मैं उस निर्णय का स्वागत करूंगा। आज उसी की देन है कि आज अपने कम समय में, चंद लम्हों में आप लोगों के, लोगों ने जो हमें अपने दुआओं से नवाजा है, मैं इसके लिए आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, आपका हम कर्जदार हूँ कि आप लोगों ने जो प्यार दिया है। भाइयों, आज उसी का नतीजा है कि आज जब तमाम लोगों ने, जब चुनाव का हमें टिकट नहीं मिला तो हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन हम अपने फैसले पर अड़िग रहा और मैं कहा कि नहीं, मैंने जो घोषणा किया है, मैं अपने आला कमान का, मैं कांग्रेस के राहुल जी और सोनिया जी का, उन्होंने जो फैसला किया है, मैं उसका स्वागत करूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज उसी का नतीजा है कि मैं आज आपके बीच खड़ा हूँ और मेरी दुआएं तौकीर भाई के साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, खुदा गायघंटा वालों, वक्त बहुत कम है, सीधे सीधे चार बिस्तरे पढ़ता हूँ। पिछली बार आप नाइंसाफी करती थी तौकीर के साथ, लेकिन आज आपका जोश देख करके मैं ये शेर पढ़ सकता हूँ कि दायरे में कल एक स्टेज पे इससे ज्यादा भीड़ हो गई थी और स्टेज टूट गया था और सारे चैनल वालों ने खबर चला दी। दायरे में सिमट के आएगा, हर आयतन से हट के आएगा, जरा खबर कर दो शेर वापस पलट के होगा। मैं सीमांचल के लिए विशेष पैकेज भी दूंगा और वो 1,25,00,000 का पैकेज जो मोदी जी अभी तक डकार के बैठे हुए हैं वो उनसे छीन के लाऊंगा। देखिए, माहौल बदल चुका है, पूरा बिहार चीख चीख करके कह रहा है कि
मोदी जी कुंभलाए हैं, नीतीश की आंख में भय है, पूरा बिहार ये कह रहा है इस बार तेजस्वी तय है। मेरे भाई ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इस लड़ाई में आप तौहीद के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? वो जो छत पर है उन्होंने हाथ नहीं उठाया, मैं आप पर भी नजर रखे हुए हूं, एक एक हाथ खड़ा मैं उठा रहा हूं। इस बार तौहीद के साथ नाइंसाफी मत करना, क्योंकि मैंने तौहीद को तुम्हारे लिए सीए के मुद्दे पे शाहीन बाग में लड़ते देखा है, मैंने तुम्हारे लिए तौहीद को जंतर मंतर पर लड़ते हुए देखा है, मैंने तुम्हारे लिए एनआरसी के मुद्दे पर इंडिया गेट पर तौहीद को लड़ते हुए देखा है, मैंने देखा है तौहीद को श्रीनिवास भाई के साथ लॉकडाउन में कोरोना के कहर में बिहार के लोगों की बंबई तक में मदद करते हुए, हैदराबाद में मदद करते हुए, चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। की शपथ ले रहे होंगे तो बड़ा पछताना पड़ेगा, वरना अगर आप एकजुट रहे और आपने तौहीद को विधायक बना दिया और तेजस्वी शपथ ले रहे होंगे तो आप अपने घर पर बैठ के भी सीना चौड़ा कर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। जो लोग सोचते थे कि लालू जेल चले गए हैं वो पलट के नहीं आएंगे साजिशों के बाद, वो देख लें कि आज बिहार का बच्चा बच्चा तेजस्वी बना हुआ है। लालू लाल ने नीतीश कुमार के चेहरे की बत्ती गुल कर दी है और नरेंद्र मोदी को परेशान करके रख दिया है। एक अकेला तेजस्वी का हेलीकॉप्टर, एक इमरान प्रताप गढ़ी का हेलीकॉप्टर, दो हेलीकॉप्टरों का पीछा करने के लिए मोदी ने 2500 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। मैं तो मोदी से यह कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी 31-32 साल के दो नौजवानों का पीछा क्यों कर रहे हो? अगर 25 हेलीकॉप्टर तुमने लॉकडाउन में बिहार के मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए भेजा होता तो ये बेचारे इस बार लड़ाई सिर्फ विधायक चुनने की नहीं है, इस बार लड़ाई सरकार बदलने की है। अगर सरकार नहीं बदलेगी तो जेपी नड्डा ने सिलीगुड़ी में खड़े होकर क्या कहा था याद है? कि कोरोना खत्म होने दो, सीए फिर आएगा। असम में क्या हो रहा है? असम के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया मदरसा बंद, ये सब कैसे रुकेगा? आपको क्या लगता है जोटा दो चार फुट पर जो पार्टियां घूम रही हैं और दो चार विधायक जी खड़ा करके ये सब रोक लेंगी? अरे ये फैसले ऐवानों में होते हैं और ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरान इसके फैसले करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, एनआरसी के आंदोलन में हमने 21 लाशें उठाई हैं, 21 नौजवानों की लाशें भाजपा के मुख्यमंत्री के आदेश पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सीनों पर सीधे गोलियां मारी थी, 21 नौजवानों की लाशें उठाई हैं। सोचो अगर वहां किसी और सेकुलर पार्टी की हुकूमत होती तो 21 लाशें बिछती नहीं। यहां लड़ाई सिर्फ दो लोगों में है, नीतीश नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी तेजस्वी यादव। बाकी जो हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं ना उनमें तेल मोदी जी ही भरवा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। यहां बहुत सारे नौजवान होंगे जो फेसबुक पर अलग अलग तरह की लड़ाई लड़ते हैं, जज्बात से लिखते हैं, मैं उनके जज्बे को भी सलाम करता हूँ। अंदर ईमान का जज्बा है तभी लड़ते हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे जज्बे को, मैं तुम्हारे दिल के दर्द को गाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस बार लड़ाई दिल 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 से मत लड़ना, दिमाग से लड़ना पड़ेगा। जो धोखा नीतीश कुमार ने 2015 में दिया था, जिस बीजेपी को भारतीय झूठा पार्टी कहते थे उसी की गोद में जाके बैठ गए, तो प्राण वालों आ गए आ गए, चलो आप लोग बैठो, मैं पहुंच गया। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि नीतीश की गद्दारी की सजा नीतीश को दीजिएगा।